दोस्तों, आपका गोपाल आजू का नमन। और मैंने अपने लंबे जीवन में, लंबे एक्सपीरियंस में, लंबे अनुभूत, मेरे सेल्फ अपने एक्सपीरियंसेस और मेरे जो पर्सनल नियर डियर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस से स्टेटिस्टिकली एनालाइज किया कि जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से आई हैं या ईमेल के माध्यम से आई हैं या नेट के माध्यम से आई हैं या पर्सनल सोर्सेज से आई हैं या और भी कोई मीडियम रहा हो आने का, मैक्सिमम देखा कि वो प्रॉब्लम्स हैं 60% 65% से ज़्यादा जो फैमिली लाइफ से डिस्टर्ब है। अपने लड़का है तो लड़की के लिए, लड़की है तो लड़के के लिए, सास है, बहू है, देवरानी है, जिठानी है, ये आपस के जो रिलेशंस, आपस के जो कलुषता, आपस के जो द्वेष, आपस के जो झगड़े, छोटे छोटे झगड़े, बड़े बड़े झगड़े, सब टाइप के। और मेरी अपनी क्या मान्यता, मैं मानता हूँ देखिए कि सारी दुनिया एक तरफ, और अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस एमिकेबल हैं, एक दूसरे की परस्पर सुन रहे हैं, तो फिर उनके लिए सारे कष्ट, सारे दुख, सारे दर्द सब सहनीय हो जाते हैं, फिर वो नहीं चिंता करते दुनियादारी की। मगर ये परस्पर जो कलुषता है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और देखिए क्या है कि इसमें जो मैंने बताया ना, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा, अपने पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ में देखा कि पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, लड़कों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, लड़कियों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते क्या होता है कि फिर वो लेट कैटेगरी में आती चली जाती हैं, और फिर लेट होती हैं, फिर भगदड़ मचती है, कोई मिल जाए, एक्स मिल जाए, वाई मिल जाए, जेड मिल जाए, तो ये स्थिति, ये पोजीशन। देखिए मैं भुक्तभोगी हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने अपने बेटे की जब मैरिज करी थी, 2 साल हो गए, नाक को चने चप गए मेरे, मैं परेशान हो गया लड़की तलाशते हुए। पहले एक जमाना था, आपको पता है ना, कि जैसे लड़की वाले लड़के के लिए परेशान होते थे कि लड़के नहीं मिल रहे। आज देखिए आप भगवान ने करे कोई भोगे इस चीज को, आज क्या हो रहा है, लड़के को लड़की नहीं मिल रही, रिवर्स हो गया बिल्कुल। और लड़की मिलती है तो भगवान ना जाने क्या लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस क्या चाहती हैं, कि हवाई जहाज मिल जाए, रॉकेट मिल जाए, कहाँ आसमान पे छत पे चढ़ जाएं, किसी प्लेनेट में चढ़ जाएं। भगवान, मैं एक इंस्टांस बता रहा हूँ, बेटे के लिए एक रिश्ता आया, तो वो लड़की से बात हुई बेटे की, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप मैक्सिमम, क्या एक लड़की से फर्स्ट इंस्टेंस में, फर्स्ट कन्वर्सेशन में, फर्स्ट मीटिंग में, और वो भी जहाँ पे शादी प्रपोजल के लिए लड़की बात कर रही हो, लड़की पूछती है बेटे से, तीनू से, कि आपका बैंक बैलेंस कितना है बताइए। हे भगवान, कैन यू इमेजिन कि फर्स्ट मीटिंग में लड़की पूछे कि आपका बैंक बैलेंस कितना, सीरियसली। सेकंड बात चली, लगभग तय हो गया, तय होने के बाद में लड़की क्या बोलती है कि आप बहुत सीधे हैं, आप फोन वोन नहीं करते, हमारा आपसे नहीं निभाओगा, तो उसने ब्रेक कर दिया। ऐसे एक नहीं, दर्जनों के बाद में फिर भगवान की कृपा से कहीं से मिला कुछ बहुत क्लू से। तो ये तो हालत बताइए, ये तो एक्सपेक्टेशंस लड़कियों की। और ठीक है, आदमी सुख तलाशता है, सुख बटोरता है, मगर यहाँ सुख नहीं बटोरा जा रहा, यहाँ ऐश्वर्य बटोरा जा रहा है, लग्जरी बटोरी जा रही है और हवस बटोरी जा रही है। एक जो होती है ना, जो ऐसी भूख जो कभी पूरी ना हो, जो कभी भरे नहीं भूख हो, वो वाली भूख, तो वो अराजकता जो हो रही है, सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले ऐसा कहाँ होता था, पहले माता पिता ने लड़के देखे, संस्कार देखे लड़कियों के, लड़कों के, और संस्कार देखे, संस्कारवान परिवार देखा, शादी कर दी। कहाँ होते थे तलाक, कहाँ होते थे डिस्टर्बेंसेस, एक एक परिवार में 10-10, 15-15 मेंबर्स होते थे, आवाज भी नहीं आती थी, बर्तन भी नहीं खटकते थे, पता भी नहीं चलता था कि घर में मियाँ बीवी रह रहे हैं। तो ये तो हालात हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, मैं फिर बोलता हूँ तो बोलने लगता हूँ, फिर लोग बोर होने लगते हैं, मगर मेरी बातों को मनन कीजिए दोस्तों। और कहीं भगवान न करे कहीं ऐसा हो, चाहे वो लड़का लड़की हो, चाहे वो लवर्स हो एक दूसरे के, या हस्बैंड वाइफ हो, तो ये एक छोटा सा टोटका, ये बहुत ही छोटा सा टोटका है दोस्तों, और यूजर्स फ्रेंडली, कुछ नहीं करना इसमें। लड़का हो तो लड़की के लिए, लड़की हो तो लड़के के लिए, वाइस वर्सा। क्या करना है, कोई भी रुमाल ले लीजिए जो यूज्ड हो, लड़के का है, लड़के का, जो भी केस हो, और वो अनवॉश्ड हो या कोई और अनवॉश्ड कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा, एक्सवाइजेड, कोई इमेटीरियल, इस कपड़े को अपने साथ रखें और एक दिन, 2-3, 4 दिन इसमें अपना खूब पसीना लगाएं,
पसीना जैसे होता ना कि आपने एक्सरसाइज करके आया कुछ आया, तो इसी से पूछें, यानी कि तर हो जाए पसीने में, अपने पसीने में, दूसरे का कपड़ा अपने पसीने में तर हो जाए खूब अच्छे तरीके से, खूब अच्छे तरीके से, एक दिन दो दिन चार दिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, अगर स्वेटिंग होती है बदबू आती है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर अगर कहीं सुख मिल रहा है तो सुख के लिए थोड़ी सी स्टिंग अगर आती तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कर लीजिए एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन, और किसी भी दिन किसी भी समय इसको जला दीजिए, चाहे ऐसे ही जला दीजिए चाहे कपूर से जला दीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि जो ये सब चीज़ें करते हैं ना टोटके, इनमें कोई टोकता नहीं, कोई देखता नहीं, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ये एकांत में और बिल्कुल किसी को बताए बिना, यानी कि कहावत है ना कि अपने ऐसे बोले कि अपने कान को भी ना सुनाई दे, ऐसे देखे कि अपनी आंखों को भी ना दिखाई दे, बस करे और भूल जाए, जैसे होता ना अपना कर्म किया और भूला, नेकी कर दरिया में डाल, ये जला लीजिए, जल के इसकी ऐश बन जाएगी, जो कार्बन कंटेंट्स हैं ये लड़का लड़की जो भी केस हो उसके पर्सनल जहाँ जो भी उनकी अलमारी है, वार्डरोब है, वैलेट है, पर्स है, कैरी बैग है, हैंड बैग है, कुछ जो भी चीज़ है, कोई बुक शेल्फ है जहाँ पे रेगुलरली यूज़ करते हैं, बेड है जहाँ पे रेगुलरली सोते हैं, तो वहाँ पे ये स्प्रेड कर दीजिए जगह जगह, एक जगह दो जगह तीन जगह चार जगह, जहाँ मैक्सिमम जितना जहाँ जहाँ कर सकते हैं, शूज़ में डाल दीजिए, शूज़ में डाल देंगे तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट में रहेगा, यानी कि ये कार्बन कंटेंट्स पर्सनल कांटेक्ट में रहें, रेगुलर कांटेक्ट में रहें, तो ये मात्र इतना करना और ये भूल जाइए, और भूलने के बाद में आप देखिए कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके लिए बहुत प्रभावशाली सिद्ध होने लगा ये वाला छोटा सा टोटका। और दोस्तों मैं भगवान के नाम से कभी भी किसी को भी एक पल के लिए एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं करता, मैं कहता हूं कि भगवान का नाम हर पल हर क्षण ले, वही नैया पार करने वाला है, टोने टोटके उपाय गंडे तावीज स्टोज अनुष्ठान ये सब चीज़ें ठीक हैं, बहुत अच्छा है, ये तो है ना जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन है तो अल्टरनेटिव उपाय हैं, अल्टरनेटिव रेमेडियल मेजर्स हैं, ये करिए, साथ में जो सुविधाजन मिलती है तो अच्छा लगता है तो करिए। जो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे फैमिली डिस्टर्बेंसेस हैं, मैंने एक ऑडियो दिया था शंकर भगवान का, शिव पार्वती गणेश जी परिवार पूरा ले लीजिए, अपने बेडरूम में टांग लीजिए उसको, जो भी दिशा आपको आप समझते हैं वास्तु के अकॉर्डिंगली इसको टांग लीजिए, उस अलग अलग इसके विधान है टांगने के भी, और नियमित रूप से सुबह उठते हैं तो रात में सोने जाते हैं तो भगवान का ध्यान कीजिए, और प्रभु से मात्र इतना मांगिए कि हे माँ हे पार्वती मैया, जैसे तूने अपना पारिवारिक जीवन सुखी बनवाया बनाया, जैसे जैसे शिव भगवान आसक्त रहे आप में, ऐसे ही हम एक दूसरे के प्रति आसक्त रहें, हमारे बीच में प्रेम पनपे, हमारे बीच में कभी कलुषता नहीं आए, हमारा परिवार एक एमिकेबल रिलेशन्स बन के रहे, बस इतनी सी प्रार्थना, सुबह उठें तो रात में सोएं तो, बस इतना से करिए, दर्शन कीजिए शिव परिवार के, पारिवारिक कंजुगल डिस्टर्बेंसेस लाइफ के, मैंने बताया ना मैंने 60% 65% से ज़्यादा केसेस देखे जो कंजुगल पारिवारिक लाइफ से डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं, तो उनको यही टोटका करवाया, यही उपाय करवाया, और प्रभु की असीम कृपा हुई उनके ऊपर, ऐसे केसेस जो बिल्कुल वर्ज ऑफ डाइवोर्स बिल्कुल होने वाला था, तलाक हो गया था, पेपर साइन हो गए थे, सब चीज़ें हो गई थी, दो दो तीन तीन चार चार साल फिजिकल सेपरेशन हो गए थे दोनों के, और वो फिर उनके रीयूनियन हो गई, उनमें फिर ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो ये प्रताप इस टोटके का, इस शंकर जी की पूजा का। दोस्तों अगर मेरे ये छोटे छोटे से टिप्स आपको अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ आप यूट्यूब में सब्सक्राइब करें ताकि हमारी छोटी छोटी बातें जन जन तक पहुँचें, हम लंबी प्रक्रियाओं में ना जाएं, पूजा छोटी हो लंबी नहीं हो इफेक्टिव हो, लगे कि आपने पूजा करी तो उसका उस एनर्जाइज हुआ अंदर, बस इतना सा समीक्षा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।